अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज हमारा सेकंड चैप्टर, सेवन चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है, जिसमें आज हमने पढ़ना है अंडू एंड डीडू, और उसके बाद हमने इसमें आज फाइंड और डिलीट कमांड है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले सेवन चैप्टर हमारा बेसिकली ज़्यादा इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें हमने ज़्यादातर जो काम है वो हमने एज अ प्रैक्टिकल करना है। तो अब ये जो सबसे हमारे पास कॉमन कमांड यूज होती है कि अंडू और रीडू, बेसिकली अंडू कमांड क्या है और रीडू कमांड क्या है। लेट्स सपोज करें जब हम कोई पैराग्राफ वगैरह टाइप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो ही हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं तो अचानक आप कह सकते हैं कि गलती की वजह से हमने पूरा पैराग्राफ आपने एक टाइप किया है। तो लेट्स सपोज करें कि वो पूरा पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया, अचानक आपने कोई की प्रेस किया और सारा वो पैराग्राफ का वो डिलीट हो चुका है। अब बजाय कि आप दोबारा इस कितने पैराग्राफ को टाइप करें, आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। तो हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमने पैराग्राफ टाइप किया था, जो हमसे रिमूव हुआ है, उसको हम ऐसा करते हैं कंट्रोल जी, हमारे पास एक शॉर्टकट कमांड है अंडू कमांड। बेसिकली अंडू कमांड का, अंडू कमांड के लिए हमारे पास सिंपल यूज होता है वो ये वाला है, ठीक है। अंडू कमांड का मतलब ये है कि जो हमने काम टाइप किया है, ठीक है, एक्सीडेंटली अगर हमसे डिलीट हो गया तो हम तमाम अपने वर्क को दोबारा रिवर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग अंडू कमांड। अंडू कमांड की वजह से हम अपना सारा जो डाटा हमने टाइप किया हुआ था, जो डिलीट हो गया, उसको दोबारा से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमारे पास है रीडू कमांड। रीडू कमांड के लिए हमारे पास जो सिंबल है वो अंडू कमांड की निस्बत इसमें ये हमने ये सिंबल यूज करना है। तो बेसिकली जो अंडू कमांड है ये आप कह सकते हैं कि रीडू कमांड अंडू कमांड के रिवर्स है, यानी जो हमने एक पैराग्राफ टाइप किया वो हमसे डिलीट होगा, दोबारा हमने इसको अचीव किया बाय यूजिंग अंडू कमांड। अब जो पैराग्राफ हमने दोबारा अचीव कर लिया, उसको दोबारा भेजने के लिए जो कमांड हम यूज करते हैं वो हमारे पास होती है रीडू कमांड। तो बेसिकली ये दोनों कमांड हमने डिस्कस की है, अब हम इनकी डेफिनेशन करते हैं। बेसिकली आप इसको सिंपली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ यू एक्सीडेंटली बेसिकली बेटा इसको हम सिंपली इस तरह डिस्कस करते हैं, इफ यू एक्सीडेंटली डिलीट योर डाटा योर डॉक्यूमेंट यू कैन अचीव बाय यूजिंग अंडू कमांड। अब बेटा हमने एक पैराग्राफ को टाइप किया, वो एक्सीडेंटली हमसे दोबारा डिलीट हो गया, हम दोबारा उसको अचीव करने के लिए जो कमांड यूज कर रहे थे वो हमारे पास है अंडू कमांड। अंडू की शॉर्टकट कमांड हमारे पास क्या होती है, कंट्रोल जी। और ये आप कह सकते हैं कि रीडू हमारे पास एक रिवर्स एक्शन है, यानी जिसकी वजह से हम अपने डाटा को दोबारा से अचीव कर सकते हैं। और बेसिकली जो रीडू है इसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट कमांड है रीडू के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। कंट्रोल प्लस जी हम यूज करते हैं अंडू कमांड के लिए, इसके बाद कंट्रोल प्लस वाई हम यूज करते हैं रीडू कमांड के लिए, और ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, ठीक है। अंडू का मतलब है दोबारा से हम डाटा को अचीव करेंगे, रिवर्स करेंगे, जबकि रीडू का मतलब दोबारा डाटा को डिलीट कर देंगे, दोबारा इसको आगे से आप कह सकते हैं हम दोबारा इसको वापस कर सकते हैं। तो ये दोनों कमांड एक दूसरे के रिवर्स हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हमारी कमांड है वो है फाइंड एंड रिप्लेस। अब हम डिस्कस करते हैं फाइंड और रिप्लेस कमांड के बारे में। फाइंड क्या होता है और उसके बाद रिप्लेस क्या होगा। बेसिकली सिंपल कमांड हमारे पास नेक्स्ट है
अब बेसिकली फाइंड कमांड क्या है और रिप्लेस कमांड क्या है। लेट्स सपोज करें कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं किसी पैराग्राफ के ऊपर, किसी टेक्स्ट के ऊपर, या किसी टेक्स्ट आप कह सकते हैं कि स्पेशल वर्ड के ऊपर, तो अगर हमने एक पूरा पैराग्राफ टाइप किया, या लेट्स सपोज करें हमने 2 से 5 पेज टाइप किए, उनमें से हमने कोई एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढना है, तो उस स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढने के लिए हमें टाइम लगेगा। तो अगर हम ये काम, ये भी हमारे पास एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल कमांड है, कि हम बजाय उसको इतना टाइम लगाए सर्च करने के लिए, हम उसको सिंपल क्या कर सकते हैं, कंट्रोल एफ से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड के बाद लेट्स सपोज करें हम एक वर्ड लिखते हैं जी, जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है स्कूल। अब हमने, हमारे पास 10 पेजेस हैं, अब 10 पेजेस के अंदर जो स्कूल का वर्ड है उसको हमने चेंज करना कॉलेज में। तो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जो स्कूल का वर्ड है उसको फाइंड करेंगे, जब वो फाइंड होगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा, यानी इसका जो कलर है आप कह सकते हैं ब्लैक या ब्लिंकिंग करना शुरू हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि इसमें स्कूल के कितने वर्ड यूज हो रहे हैं, वो तमाम हम क्या करेंगे हाईलाइट कर देंगे। जब हाईलाइट हो जाएंगे तो फिर वहाँ पे एक ऑप्शन होती है रिप्लेस, तो हम क्या करते हैं कि फाइंड के बाद रिप्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और जो न्यू नेम हमने, लेट्स सपोज करें हमने स्कूल को कॉलेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कॉलेज का वर्ड उधर टाइप कर देंगे और वहाँ से फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, यानी फाइंड ऑल कर देंगे, रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो क्या होगा जितने भी हमारे पास पेजेस हैं उन तमाम पे ऊपर स्कूल की जगह क्या आ जाएगा, कॉलेज आ जाएगा। इसी तरह एक और हमारे पास एग्जाम्पल है कि जब 9th-10th का रिजल्ट आता है तो उसमें हमारे पास जो पेजेस होते हैं वो लाखों के फॉर्म में होते हैं, यानी हजारों लाखों के फॉर्म में पेजेस होते हैं, उसमें से हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक नाम ढूंढना है। तो अगर हम कंट्रोल एफ से इस नाम को सर्च करेंगे तो उस नाम के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो तमाम के तमाम जो नेम है वो क्या हो जाएंगे, हाईलाइटेड हो जाएंगे, ठीक है, और आप वहाँ से रिजल्ट चीज कर सकते हैं। और दूसरा इसका ये है कि रोल नंबर, जब आपने लेट्स सपोज करें कि कंट्रोल एफ करके आप वहाँ पे रोल नंबर को अटैच करेंगे, तो जो आपका स्पेसिफिक रोल नंबर होगा वही वहाँ पे उसका रिजल्ट ओपन हो जाएगा, यानी आगे उसकी ऑप्शन आ जाती है। सीढ़ी, हमारे पास जो रिजल्ट की सीढ़ी होती है उसके ऊपर लाखों की फॉर्म में कैंडिडेट होते हैं, तो हम क्या करते हैं कंट्रोल एफ से वो नेम या वो रोल नंबर करेंगे तो सिर्फ वही आएगा, अगर नेम करेंगे तो उस नाम के जितने भी कैंडिडेट होंगे वो तमाम के तमाम कैंडिडेट हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं वो अपना रिजल्ट चीक कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास फाइंड कमांड की सिंपल इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हम कह सकते हैं अ फाइंड कमांड
सिंपल इसकी ही मतलब एग्जांपल दी गई है कि अ फाइट इज अ वर्ड सेट ऑफ वर्ड्स पीस ऑफ वर्ड्स इन योर डॉक्यूमेंट कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक वर्ड है ठीक है पीस ऑफ पेपर है जिसको हमने फाइन के अंदर यूज किया फाइन कमांड को हम उसमें फाइन कमांड को यूज करते हैं। अब लेट्स सपोज करें हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके अंदर हमने जो वर्ड है पंजाब का जो वर्ड है हमने वो हाईलाइट किया है यानी पंजाब के वर्ड को हमने क्या किया है सबसे पहले हम क्या करेंगे पंजाब का हमारा जो वर्ड आया उसको हम फाइंड करेंगे यानी जब हमारा वर्ड पंजाब फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आएगी क्या होगी कि हाईलाइटेड पंजाब के पंजाब का जो वर्ड है वो हाईलाइटेड हो जाएगा यानी पूरा पैराग्राफ के अंदर यहाँ लेट्स सपोज करें हमारे पास ज्यादा पेजेस हैं 10 पेजेस हैं या इससे भी ज्यादा पेजेस जितने भी पेजेस होंगे तमाम पेजेस के अंदर हमारे पास जो पंजाब का वर्ड है वो हाईलाइटेड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस करेंगे सिंध के अंदर यानी पंजाब को आगे हम रिप्लेस करेंगे सिंध में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होगी रिप्लेस ऑल तो हम क्या करेंगे तमाम को रिप्लेस ऑल कर देंगे नेक्स्ट करेंगे फिर ओके कर देंगे और इसकी जो हमारे पास पंजाब का वर्ड है वो तमाम वर्ड्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे सिंध में। तो बेटा इसकी सिंपल हमारे पास जो कमांड है वो है कंट्रोल प्लस एफ ठीक है कंट्रोल प्लस एफ को हम यूज करते हैं फाइंड करने के लिए यानी पैराग्राफ वगैरह को या किसी स्पेसिफिक वर्ड को अगर हमें ढूंढना है तलाश करना है तो बजाय हम तमाम इतनी मुशक्कत से एक एक वर्ड को पढ़ें तो इसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं कंट्रोल एफ फाइंड को यूज करके हम अपने स्पेसिफिक वर्ड को सिंपली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारा 7th चैप्टर का 2nd लास्ट लेक्चर था तो कल इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर होगा 7th चैप्टर का तो उसके बाद फिर हम दोबारा से जो हमारी बुक है हम उसको स्टार्टिंग से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़।